आप देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। किरनापुर तहसील के अंतर्गत जीवन ज्योति समिति के द्वारा मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, जिसमें 7 गांवों में जाकर किया गया वृक्षारोपण। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जीवन ज्योति सहायता समिति के द्वारा यह लक्ष्य तय किया गया था कि हमें 100 पेड़ लगाने हैं। पर्यावरण की रक्षा, मानवता की सुरक्षा स्लोगन के साथ समिति ने 7 गांवों में जाकर वृक्षारोपण का कार्य किया है। वृक्षारोपण के लिए पंचायत भवन या स्कूल परिसर को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि वहां पर पेड़ सुरक्षित रह सकते हैं। कोरोना काल की इन विषम परिस्थितियों ने हमें ऑक्सीजन का महत्व समझा दिया है। यह जानना बहुत जरूरी है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्व रखता है। पेड़ों की खासियत यह है कि इसका कोई भी हिस्सा अनुपयोगी नहीं होता, चाहे पत्ती हो या तने, बीज, फल, फूल, सब कुछ इंसानों और प्रकृति के लिए बहुत से फायदों से भरा होता है। एक स्वस्थ पेड़ हर दिन लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे 7 लोगों को प्राणवायु मिल पाती है। यदि हम इसके आसपास कचरा जलाते हैं तो इसकी ऑक्सीजन उत्सर्जित करने की क्षमता आधी हो जाती है। इस तरह हम 3 लोगों से उनकी ज़िंदगी छीन लेते हैं। आज पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, इसलिए पौधे लगाने के साथ साथ हमें पेड़ों को बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हमारे आज के इस कार्य में ग्राम के सरपंच महोदय, सचिव महोदय, पंचगण व ग्रामीण लोग उपस्थित रहे, और समिति में ग्राम किरनापुर, हिर्री, परसा टोला, बम्मन गांव, टिमकी टोला, मुंडेसरा, नक्सी, ऐसे 7 गांव में वृक्षारोपण का कार्य किया है। आज के इस कार्य में समिति के सदस्य शिवम श्रीवास्तव, रेहान खान, दीपांशु वराड़े, गणेश भूते उपस्थित रहे। एमपीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए किरनापुर से रिपोर्टर धर्मेंद्र बिसेन के साथ विजय कुत्थे की रिपोर्ट।